अगली खबर आ रही है रीवा जिले के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से, जहां सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का चिकित्सकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध कॉलेजों के द्वारा पहले दिन काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया था और बाद से ना माने जाने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी। मंगलवार को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। एकत्र सभी चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से चिकित्सकों के हड़ताल में जाने से अस्पताल की व्यवस्था चरमराई है। वहीं चिकित्सकों का क्या कहना है। मेरा नाम डॉक्टर हृदय दीक्षित है। मैं इस समय पर मध्य प्रदेश स्टेट JDA प्रेसिडेंट हूँ। अभी जैसा कि ज्ञात है कि सरकार इस तरीके का कोई प्रस्ताव लेके आने वाली है जिसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु डिप्टी कलेक्टर या फिर SDM की नियुक्ति की जाएगी। इस समय जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा जो प्रोग्रेसिव मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन MTA को पूर्णतः समर्थन अपना प्राप्त करता है और सरकार से निवेदन है, मंत्री जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस तरीके का किसी भी तरीके की टकराव की स्थिति ना उत्पन्न की जाए। इससे मरीजों का ही नुकसान होता है और विगत समय में भी देखा गया है कि अधिकतर सरकार की नीतियों से लगातार टकराव की स्थिति आए समय समय पर बनती रही है, जबकि डॉक्टर्स का पूरा जीवन जो होता है वो मरीजों के लिए होता है, उनकी सेवा के लिए होता है और हम भी ये चाहते हैं कि हम ये कार्य पूरे तरीके से पूरे अपने मन से और अपना पूरा 100% देके ये काम करते रहें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरीके की टकराव की स्थितियों से बचा जाए, मरीज के हित में ये चीज़ सोचा जाए एवं इस तरीके का जो प्रस्ताव है जिसमें एक नॉन टेक्निकल फील्ड को, जिसको उस फील्ड जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको इस फील्ड की जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उनको इस तरीके के पद पर बिठाया जाए, इस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी। अतः प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश जो शांतिपूर्वक इस समय पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इसका पूर्ण तरह समर्थन करता है और आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जो भी आगे जो भी कदम उठाते हैं, हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका सहयोग करेंगे और उनका साथ देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा शुक्ला है। मैं गायनी में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गायनी विभाग पर। अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो हम आगे हड़ताल पर नहीं जाएंगे और मरीजों को असुविधा ना हो उसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। साथ में ही इमरजेंसी सुविधाएं हमने सुचारू रखी हैं, सिर्फ रूटीन का ही काम बंद किया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी मरीजों को तो हम तब भी जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर गीता त्रिपाठी है। मैं प्रोफेसर एंड हेड डेंटल डिपार्टमेंट में हूँ मेडिकल कॉलेज में। हड़ताल में नहीं है, जैसा कि आपको हमारे सेक्रेटरी साहब जो MTA हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला सर, उन्होंने बताया ये एक तरीके का सहयोग है। हम लोग हड़ताल में नहीं हैं। हम लोग को खुद ही अच्छा नहीं लगता कि हमारे मरीज़ जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी पढ़ाई सफ़र करे या हमारे मरीज़ों की ट्रीटमेंट जो है वो सफ़र करे। लेकिन इस तरह का जो डिसीजन होता है वो जो सरकार ले रही है उसके फेवर में नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पहले से ही बैठाए गए हैं, कमिश्नर हैं, उनके ऊपर एक और कमिश्नर हैं, उनके ऊपर PS साहब हैं, अपर सचिव लेवल के काफ़ी लोग हैं, तो फिर एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हमारे यहाँ बिठाने का क्या मतलब है। हम लोग खुद ही सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं, सारी ट्रीटमेंट वगैरह भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह जो हमारे हॉस्पिटल का है वो सब अच्छे से देख रहे हैं, तो हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, सचिव MTA रीवा। बेसिकली कल से इस बात को मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि आज की मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कुछ ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन हेतु प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हम सब मेडिकल टीचर्स अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि हमारा काम अच्छी तरीके से हो रहा है। ये हमारे बढ़ते हुए मरीजों की संख्या, मरीजों को मिलने वाली
ऑपरेशन एवं सभी सुविधाओं की क्वालिटी इस चीज़ का प्रमाण है। ये प्रस्ताव पूरी तरह से औचित्यहीन है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें जो हमें ज़रूरत है, मैं कल भी कह चुका हूँ कि हमारे अधिष्ठाता, हमारे अधीक्षक और हमारे सारे विभागाध्यक्ष अच्छी तरीके से अपनी प्रशासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है, अगर उन्हें ज़रूरत है तो मैनेजर्स की ज़रूरत है जो कि MBA MHA ट्रेन हो, बायोमेडिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इस तरह अगर हमें सरकार हमारे मेडिकल एजुकेशन को अगर इम्प्रूव करना चाहती है तो इस तरह की अगर सुविधाएं प्रदान करेगी तो ठीक होगी, लेकिन अलग से किसी प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति थोड़ा सा औचित्यहीन लग रहा है। और इस बार मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हम लोग अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ये रीवा मेडिकल कॉलेज पिछले 60 वर्षों से चल रहा है और निरंतर उच्च कोटि के चिकित्सक उच्च कोटि की सेवाएं दे रहा है। तो इस प्रकार के किसी निर्णय, इस प्रकार के किसी कैबिनेट में प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव का प्रावधान नहीं होना चाहिए। कल हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया था, आज हम लोग अपनी इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हुई हम लोगों ने और सिर्फ रूटीन सर्विसेज को रोक रखा है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हम अपना विरोध जता सकें और मरीजों का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हाँ, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो हमें फिर अपने विरोध को थोड़ा और बढ़ाना होगा, हम पूर्णतः हड़ताल में जा सकते हैं, जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मरीजों का नुकसान होता है जिनके लिए हम लोग यहाँ पोस्टिंग की गई, हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है जिनके लिए हमारी पोस्टिंग की गई है, तो हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ सकता है। कितने डॉक्टर हड़ताल पर? हमारे पूरे करीब 225 डॉक्टर जो हमारी एसोसिएशन के हैं, और साथ ही साथ 13 मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश के समस्त 13 मेडिकल कॉलेज हैं उसके सभी डॉक्टर आज हड़ताल नहीं है, असहयोग है, सिर्फ एक विरोध जताने का तरीका है। अगर ज़रूरत होगी तो आज हम अपने मरीज के लिए जा सकते हैं, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर अपना असहयोग दिखा रहे हैं कि सरकार चेत जाए और जो ये प्रावधान लाने वाली है इस पे आगे कोई कदम ना बढ़ाए।